नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जेसीबी लगाकर उजाड़ दिया एक गरीब का घर, टुकड़े टुकड़े कर किया ध्वस्त। रंका अनुमंडल से आकाश दीप की रिपोर्ट। गढ़वा रंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोदरवाना निवासी का घर जेसीबी लगाकर मकान को गिरा देने का मामला सामने आया। यह घर रंका थाना क्षेत्र के जोलंगा गांव निवासी दिनेश यादव की बताई जा रही। मकान गिरने की सूचना मिलने पर दिनेश यादव ने गुदरमना पहुंचे और उन्होंने बताया वह जमीन हमारा है। यह जमीन को मुंद्रिका राम पिता स्वर्ग के सुखदेव राम से 24 अगस्त 2006 में ही 2 डिसमिल जमीन खरीदा था। उस स्थान पर पूरा घर बना था, जो जेसीबी लगाकर लीला पत्थर निवासी यादव परिवार वालों ने घर को तोड़वा दिया। उन लोगों ने इस जमीन के बारे में ना तो कुछ कहा और ना ही पूछा, सीधा बने मकान को तोड़ने लगे। उन्होंने बताया कि उस घर में हमारे लकड़ी के टेबल, कुर्सी, कपड़ा, गेहूं, चावल सहित कई सामान रखा हुआ था। घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ कर दिया, यहाँ तक कि घर में लगे खिड़की, घर में लगे किवाड़ को भी नहीं छोड़ा है। केवल मकान के दीवार का मलवा पड़ा हुआ है। यहाँ कभी कभार आते थे हम लोग पूरे परिवार के साथ, पुराने घर जो लंगा में रहते हैं। अचानक घर क्यों तोड़ा इसकी हमें भी जानकारी नहीं। आसपास के लोगों से पूछने से पता चला कि लीला पत्थर के यादव लोगों ने जेसीबी लेकर आए और घर तोड़ने लगे। पूछने पर पता चला कि वे लोग अपना जमीन बता रहे थे, जबकि इस जमीन का हमने केवाला भी करवाया हुआ है। इन लोगों ने बगैर सूचना के मेरा घर तोड़वाया है। स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला बंडरिया थाना क्षेत्र के लीला पत्थर गाँव निवासी दिनेश यादव, अनुप यादव, लालजी यादव, देवांश यादव, हरिवंश यादव, ललन यादव, ब्रजदेव यादव, दिलीप यादव, रामबली यादव, रूपलाल यादव, बजरंग यादव और गोपाल यादव ने आकर मेरा घर तोड़वाया। सभी लोगों पर रंका थाना में लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा काला गढ़वा में आवासीय सुविधाओं युक्त नवोदय, नेतरहाट सैनिक स्कूल एवं CHS आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाती है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें।